हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में हम क्रोशे से मैजिक सर्कल बनाना सीखेंगे। तो यहाँ मेरे पास दो सर्कल है, अगर आप देखेंगे तो ये पहला जो सर्कल बनाया है इसमें एक बीच में एक गैप है, इसे हमने चेन स्टिच करके, यहाँ पांच चेन स्टिच करके स्लिप स्टिच करके बनाया है, तो इस तरह का गैप आता है। और ये जो सर्कल है ये हमने मैजिक सर्कल से बनाया है, तो इसमें बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं आता है। तो वही है मैजिक सर्कल से बनाने का डिफरेंस। कोई प्रोजेक्ट्स मैजिक सर्कल से स्टार्ट करते हैं, जैसे टोपी हो गया, पर्स हो गया, जहां आपको ये इस तरह का जो बीच का जो सर्कल है वो नहीं चाहिए होता है, तो उसे कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। तो इसे बनाने के लिए पहले मैं यहाँ एक यार्न ले रही हूँ, और ये जो यार्न है उसको मैं मेरे फिंगर्स पर इस तरह एक एक्स की तरह बना लूँगी। उसके बाद ये जो लूप है उसको हम हटा लेंगे, और ये जो हुक है उसको इस सर्कल में डाल के ये जो वर्किंग लूप है उसको इस तरह से खींच लेंगे। उसके बाद आपको एक चेन वन बना के इसे लॉक करना है। एक चेन वन बना दीजिए और ये यहाँ हमारा मैजिक सर्कल बन गया। अगर आप इस एंड को खींचेंगे तो ये छोटा होता जाएगा, देखिए आपका ये मैजिक सर्कल छोटा हो रहा है। एक और बार देख लीजिए, बहुत ही आसान है। आपको अपने यार्न को इस तरह से एक्स की तरह लेना है और हाथों से हटा लीजिए। उसके बाद हुक को सर्कल में डाल के इस वर्किंग यार्न को पुल करेंगे, तो यहाँ से डालकर ये जो वर्किंग यार्न है उसको हम इस तरह से पुल करेंगे, और चेन वन भी लगा लेंगे ताकि ये लॉक हो जाए। तो यहाँ पकड़ लीजिए और नॉर्मल एक चेन वन बना लीजिए इस तरह से। तो ये बन गया हमारा मैजिक सर्कल। एक लास्ट बार देख लीजिए, तो इसे हम इस तरह से हाथों में ले लेंगे, सॉरी फिंगर्स पर ले लेंगे, और इस लूप को ऐसे हटा लेंगे। उसके बाद ये जो हुक है उसको इस सर्कल में डाल के इस वर्किंग यार्न को ऐसे पुल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको चेन वन बनाना है ताकि ये लॉक हो जाए। इस तरह से पकड़ लीजिए और चेन वन। तो ये बन गया हमारा मैजिक सर्कल। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ थोड़े डबल क्रोशे डालूंगी, और जितना आपका पैटर्न बोल रहा है, कभी कभी आप मैजिक सर्कल बनाने के बाद चेन टू लगा लीजिए या चेन थ्री लगा लीजिए ऐसे बोलते हैं, तो उस हिसाब से जैसा आपका पैटर्न कह रहा है उस हिसाब से कर लीजिए। यहाँ मैं दो चेन स्टिच बना रही हूँ, तो ये एक ऑलरेडी हो गया है और एक और डाल देंगे दो। इसके बाद मैं यहाँ थोड़े डबल क्रोशे डाल रही हूँ, तो मे बी 8 डबल क्रोशे डालेंगे। तो ये एक हो गया, उसके बाद दूसरा, तो यार्न ओवर, गैप में जाइए और एक डबल क्रोशे कीजिए। और जब भी आप डबल क्रोशे कर रहे हैं तो इन दोनों, ये जो एंड है और ये जो सर्कल है, दोनों के यार्न के ऊपर से आपको बनाना है। तो इस तरह से मैं यहाँ थोड़े डबल क्रोशे डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने 10 डबल क्रोशे इस सर्कल में बना दिया है। अब ये जो एंड है उसको आप इस तरह से पुल कर लीजिए, तो देखिए छोटा होता जाएगा इस तरह से। और फिर आपको एक स्लिप स्टिच करना है, इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और जॉइन करेंगे। आप इसे अच्छे से पुल करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो बीच में बिल्कुल भी सर्कल नहीं है। तो ये था हमारा मैजिक सर्कल का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपके लिए यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।